अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वोकैबुलरी का जो मैंने नया सिलसिला शुरू किया है उसका ये चौथा वीडियो है। इसमें मैं अल्फाज के माने बताती हूँ और सेंटेंस के जरिए मिसालें देकर समझाती हूँ ताकि मानी जल्दी और हमेशा के लिए याद हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही होगी और धीरे धीरे आपके अल्फाज के जखीरे में इजाफा हो रहा होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उन वीडियो को भी देख सकें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, डू नॉट फेवर एनी मराउडर। Do not favor any marauder. Marauder यानी favor यानी हिमायत करना, तरफदारी करना। Marauder यानी गनीम। गनीम का मतलब होता है लूट मार करने वाला, डाका डालने वाला। किसी गनीम की तरफदारी ना करो। गनीम यानी डाकू भी कह सकते हैं। किसी डाकू की तरफदारी ना करो। दूसरा सेंटेंस है, Do not favor एनी ब्रिगैंड। फेवर यानी तरफदारी करना, हिमायत करना। ब्रिगैंड यानी रहजन। रहजन के माने सेम, लूटमार करने वाला, डाका डालने वाला। किसी रहजन की तरफदारी ना करो। तीसरा सेंटेंस, डू नॉट फेवर हाईवे मैन। फेवर यानी हिमायत करना, तरफदारी करना। हाईवे मैन यानी लुटेरा। लुटेरा लूटमार मचाने वाला, डाका डालने वाला। किसी लुटेरे की हिमायत ना करो। चौथा सेंटेंस, डू नॉट फेवर एनी फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव यानी मफरूर, जो फरार हो चुका है, भाग जाने वाला, फरार हो जाने वाला, मफरूर। किसी मफरूर की तरफदारी ना करो। डू नॉट फेवर एनी स्काउंड्रल। डू नॉट फेवर एनी स्काउंड्रल। स्काउंड्रल यानी लुच्चा, बदमाश, बदवजा, बदजात। किसी बदमाश की हिमायत ना करो। नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट फेवर एनी विलेन। फेवर यानी हिमायत करना, तरफदारी करना। विलेन यानी बदमाश। किसी बदमाश की हिमायत ना करो। डू नॉट फेवर एनी स्कैम। फेवर यानी हिमायत करना। स्कैम यानी नाकारा, नालायक, जो कोई काम ढंग से ना कर सकता हो उसे स्कैम कहते हैं। नाकारा की तरफदारी ना करो। डू नॉट फेवर एनी प्लंडरर। प्लंडरर यानी लूटमार मचाने वाला, लूट खसोट मचाने वाला, लूटने वाला या डाकू। लुटेरे की तरफदारी ना करो। डू नॉट शील्ड नोटोरियस क्रिमिनल। शील्ड यानी बचाव करने वाला, हिफाजत करने वाला, पनाह देने वाला। नोटोरियस यानी आदि, ये तो आप जानते ही होंगे, इससे पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। नोटोरियस यानी आदि और बदनाम, बदनाम और क्रिमिनल यानी मुजरिम। आदि मुजरिम की, आदि मुजरिम को पनाह ना दो, ठीक है। डू नॉट शील्ड अ बर्गलर। बर्गलर के माने नकबजन, नकबजन या चोर, चोरी करने वाला, जो चोरी करने की नियत से घर में घुस जाता है उसे बर्गलर कहते हैं। अच्छी उर्दू में नकबजन, नकबजन को पनाह ना दो। नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट शील्ड अ गुन। सॉरी, यहां पे ये एन होगा, जी डबल ओ एन, गुन। डू नॉट शील्ड अ गुन। गुंडे की पुष्ट पनाही ना करो। शील्ड यानी पुष्ट पनाही करना या पनाह देना। गुन, जी डबल ओ एन, गुन। गुंडे की पुष्ट पनाही ना करो। गुंडे को पनाह ना दो। डू नॉट शील्ड एन ऑब्ड्यूरेट सिनर। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हठधर्म, जिद्दी, सख्त या बड़ा। ऑब्ड्यूरेट सिनर यानी सख्त गुनाहगार। सिनर यानी गुनाह करने वाला, गुनाहगार। सख्त गुनाहगार को पनाह न दो।
जो बड़ा गुनाह करता है, और जैसे कि क्रिमिनल, तो उनको सख्त गुनाहगार कहा जाता है. ऑब्ड्यूरेट सिनर, दे ऑल आर ऑब्ड्यूरेट सिनर. डू नॉट शील्ड एन ऑब्ड्यूरेट सिनर, सख्त गुनाहगार को पनाह ना दो. तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ अल्फाज और सेंटेंसेस. उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी. शुक्रिया.